के हालात को लेकर पूरे विश्व भर में चिंता है और भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। तमाम अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भी वापस बुला लिया गया है। भारत सरकार लगातार इसको लेकर जो सक्रियता है वह दिखा रही है। तमाम जो कुछ भी चल रहा है इसको लेकर बिहार में भी यहाँ के भी नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच बिहार भाजपा के नेता विधायक विस्थित के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जिन लोगों को भारत में डर लगता है वो अब अफगानिस्तान चले जाए। क्या कुछ कह रहे हैं पहले सर, अफगानिस्तान का जो अभी समस्या है उसमें भारत पे कितना असर पड़ेगा? भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा। वहाँ किस तरह से माने जंगल में भी एक कानून होता है, किस तरह का राज हो गया है जहाँ न महिलाओं का अधिकार है, स्कूल कॉलेज को उड़ाया जा रहा है और लोग बदहवास हैं, हवाई जहाज के पंखुड़ियों पर बैठ कर के लोगों को भागना पड़ा है और 3 आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है, तो बड़ा दुखद है। सर एक सवाल और है, कह दिया कि मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं, धरातल पर आके लोगों से मिलते नहीं हैं। अब ये तो विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है कुछ न कुछ कहना, लेकिन जिस तरह से माननीय नीतीश जी बिहार के विकास के लिए और अभी बाढ़ में दिन रात एक किए हुए हैं, शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में दर्जनों जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में हैं, तेजस्वी यादव राघोपुर के ही दौरे पर नहीं है, क्या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है कि और भी? जरूर विपक्ष के रोल में उनको आना चाहिए और पूरे बिहार में घूमना चाहिए उनको। तो आपने सुना, हरिभूषण ठाकुर है, बिहार बीजेपी के नेता है, विधायक है बिस्फी के, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अफगानिस्तान में पेट्रोल डीजल काफी सस्ते हैं और यहाँ पर जिन लोगों को डर लगता है उन्हें अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। साथ ही साथ बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, सिर्फ राघोपुर का दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें भी तमाम क्षेत्रों में जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार जिस तरीके से बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए काम कर रही है, तमाम मुद्दों पर बात किया है हरिभूषण ठाकुर ने। तो अफगानिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, तालिबानी आतंकियों ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, वहां जिस तरीके से हालात बहुत ही बद से बदतर हो गई है, सब को लेकर भारत के लोग भी चिंतित है। भारत के जो तमाम दिग्गज नेता हैं या फिर बिहार के भी नेताओं ने इस पर चिंता व्यक्त किया है। तमाम भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाया जा रहा है और ऐसे में अब एक बड़ा बयान बिहार भाजपा के नेता ने दे दिया है। हरिभूषण ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि जिन लोगों को भारत में डर लगता है वो सब अफगानिस्तान चले जाए। अब बढ़ रहे हैं NBC 24 के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।